नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मेट्रो को रफ्तार देने में जुटेगी जायका। संभावित बाढ़ के खतरों को देखते हुए मुख्यमंत्री हुए अलर्ट। बिहार के 26 कॉलेज में नहीं लिया जाएगा बीएड में एडमिशन। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन। सचिन को लेकर ब्रेट ली ने किया बड़ा खुलासा। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। मेट्रो को रफ्तार देने में जुटेगी जायका। बिहार पटना मेट्रो का काम सुस्त पड़ा है। पटना मेट्रो का काम 2024 में पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन जिस तरह से इस पर काम हो रहा है शायद ही 2024 तक ये पूरा हो पाए। हालांकि नीतीश सरकार इसको लेकर सजग है और हर जरूरी मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जायका की केंद्रीय टीम अगले 6 महीने पटना में रहकर पटना मेट्रो की पूरी व्यवस्था का आकलन करेगी। टीम के सदस्य पटना मेट्रो के लिए प्रस्तावित दोनों रूट पर पाइलिंग को लेकर स्टेशन और डिपो निर्माण कार्य का अध्ययन करेगी और उसके मुताबिक तकनीकी सलाह प्रदान करेगी। टीम में जापान के कुछ वरीय अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे में इनके लिए जापानी खाना बनाने वाले रसोइये की खोज हो रही है। बकायदा कंपनी ने इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। कई जिले भीषण लू की चपेट में। बिहार के दक्षिणी भाग में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल हैं और आज इधर के इलाके में भीषण लू महसूस किया गया। राजधानी पटना सहित बिहार के दक्षिणी भाग के 8 जिले पूरी तरह से लू की चपेट में हैं। बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा जिले के 1-2 जगह भारी लू के चपेट में देखने को मिले। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। वहीं आईएमडी पटना ने कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जहां आज बांका, भागलपुर के 1-2 जगहों पर बादल गरजने के बाद हल्की बारिश देखी गई। इसके साथ ही उत्तर बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल, कटिहार में गरज चमक के साथ हल्की बारिश देखी गई। बिहार सरकार के 3 और आईपीएस का हुआ तबादला। बिहार सरकार ने बीते दिन 3 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया है, जिसमें आईपीएस संजय सिंह, विनय सिंह और धुरत साइली सावला राम शामिल है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक भोजपुर के एसपी विनय तिवारी का तबादला एसपी मध्य निषेध के पद पर किया गया। वहीं पुलिस मुख्यालय में पद स्थापना की प्रतीक्षा में रही धुरत साइली सावला राम को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 5 पटना का कमांडेंट बनाया गया। भोजपुर एसपी बनाए गए संजय कुमार सिंह को कमांडेंट अश्वरोही विशेष सशस्त्र पुलिस आरा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संभावित बाढ़ के खतरों को देखते हुए मुख्यमंत्री हुए अलर्ट। हर साल मॉनसून में बिहार का बड़ा क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित हो जाता है। ऐसे में आपदा प्रबंधन के साथ साथ मुख्यमंत्री भी अपने आवाम की हिफाजत में सजग है। वहीं इस बार मॉनसून समय से पहले आने की संभावना है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री भी अलर्ट मोड पर है और मुख्यमंत्री ने बुधवार को इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री के साथ इस मीटिंग में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद यादव और रेणु देवी भी मौजूद रहेंगी। इस हाई लेवल मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाढ़ को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे और सुरक्षात्मक उपायों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी देंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के ताजा आंकड़े भी मांगे हैं और इस रिपोर्ट को देखते हुए सभी जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाने की बात कही है। बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को एक और झटका। पेट्रोल, डीजल सहित रसोई गैस के बढ़ते दाम से परेशान लोगों को महंगाई का एक और झटका लगा है। अब सीएनजी गैस के दामों में भी वृद्धि हो गई है। राजधानी पटना की बात करें तो यहां सीएनजी गैस में 2.50 रुपए बढ़ोतरी के साथ सीएनजी के दाम 84.46 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। वहीं पीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। पीएनजी भी 49.87 से बढ़कर 51.87 रुपए SCM हो गई है। मालूम हो कि सीएनजी और पीएनजी के दाम में बीते 1 मई को भी वृद्धि हुई थी। हाइपरटेंशन से बचना बेहद जरूरी। आज यानी 17 मई को विश्व भर में लोगों को हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारी से जागरूक करने के लिए हाइपरटेंशन दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, जिसे आप हाई ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। इसमें रक्त का दबाव सामान्य शख्स से अधिक होता है। इसकी वजह से आपको दूसरी समस्याएं भी घेर लेती है, जिसमें यह हार्ट अटैक का सबसे बड़ा कारक है। इसका पता तभी चलता है जब आप इससे ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। अगर किसी को बीपी जांच के दौरान ये पता चल जाए कि रीडिंग सामान्य यानी 120/80 mmHg से ऊपर खिसकने लगी है, उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। वहीं 130 या 139/80 से 89 mmHg से ऊपर की रीडिंग हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आती है। आपको बता दें कि इन दोनों स्टेज में फर्क यह है कि पहली स्टेज में बिना दवाई के लाइफस्टाइल में कुछ बदलवाकर इसे सामान्य किया जा सकता है। बिहार के 26 कॉलेजों में नहीं लिया जाएगा बीएड में एडमिशन।
बिहार में बीएड की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को बड़ा झटका लग सकता है। बिहार के करीब 26 कॉलेजों में इस साल बीएड के लिए एडमिशन नहीं लिया जाएगा। दरअसल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट भरना अनिवार्य कर दिया है और बिहार के ऐसे 26 कॉलेज निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने पीएआर नहीं भरा है। आपको बता दें कि एनसीटीई की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसा नहीं करने वाले बीएड कॉलेज में नामांकन नहीं होगा। वहीं राज्य के 26 बीएड कॉलेज ने परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट नहीं भरा है, ऐसे में इन कॉलेजों में नामांकन नहीं होगा। अत्याधुनिक सुविधा से लैस होगा बिहार का सबसे बड़ा हृदय रोग अस्पताल। बिहार के सबसे बड़े हृदय रोग अस्पताल इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान IGIC जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। हृदय रोग से संबंधित किसी भी समस्या का इलाज अब एक ही छत के नीचे संभव हो पाएगा। IGIC में अभी कुल बेडों की संख्या 165 है, लेकिन 10वीं मंजिल जल्द ही बन जाने के बाद यहां बेडों की संख्या बढ़कर 300 हो जाएगी। वहीं इसके बाद भी यहां बेडों की संख्या बढ़ाकर 400 करने की योजना है। इसके साथ ही यहां डॉक्टर स्टाफ नर्स की संख्या भी बढ़ाने की कवायद जारी है। इस इमारत में कुल 22 इमरजेंसी बेड होंगे। यही नहीं, नई इमारत में लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, सेमिनार हॉल होंगे। इसके साथ ही पुरानी बिल्डिंग में ओपीडी, कैफेटेरिया, पेसमेकर आदि लगाने की भी व्यवस्था की जा रही है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन। BCECE ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के परीक्षा फॉर्म इच्छुक उम्मीदवार आज से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 17 मई से शुरू हो चुकी है। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 6 जून है। चालान से पेमेंट की अंतिम तारीख 8 जून निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र ऑनलाइन फॉर्म BCECEboard.bihar.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। आवेदन करने वाले छात्र के 12वीं में कम से कम 45% मार्क्स होने अनिवार्य है। वहीं आरक्षित वर्ग के छात्र को मार्क्स में 5% की छूट मिलेगी। NHAI गंगा नदी के उत्तर तरफ एक्सप्रेसवे पर काम कर चुका है शुरू। बिहार में जोर शोर से सड़क, हाईवे, पुल का काम करवाया जा रहा है ताकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम समय के साथ सहूलियत भी हो। इसी क्रम में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से पटना तक बलिया, बैरिया, रिवीलगंज, छपरा, दिघवारा कंट्रोल एक्सप्रेस वे निर्माण की उम्मीद अब बढ़ते जा रही है। आपको बताते चले कि कोइलवर पुल के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विस्तार पटना तक करने की घोषणा की है। इसके साथ ही अब NHAI ने इस तरफ काम करना शुरू कर दिया है। इसी को आधार बनाकर NHAI ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पटना तक विस्तार गंगा नदी के उत्तर तरफ ही करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। दरअसल इस अलाइनमेंट पर पहले से ही गाजीपुर, बलिया, रिवीलगंज 4 लेन के लिए जमीन अधिग्रहण पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री लगातार सड़क, पुल, हाईवे पर खुद पहुंचकर ले रहे हैं जायजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सड़क, पुल, हाईवे, ब्रिज का निरीक्षण कर रहे हैं और खुद से सारी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली पहुंचे। नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना से सड़क मार्ग द्वारा वैशाली जाने के क्रम में महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर चल रहे जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन के सुपर स्ट्रक्चर और पूर्वी लेन को अंतिम रूप देने के लिए किए जा रहे कार्यों के विषय में अधिकारियों से पूरी जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश भी दिया है। आपको बता दें कि इस लेन का लोकार्पण अगले महीने 7 जून को होने की उम्मीद है। तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री को दी अहम सलाह। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने अजीबोगरीब बयान की वजह से हमेशा चर्चे में रहते हैं और एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कुछ ऐसी बातें कही हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सलाह दी है कि उन्हें कमंडल देकर हरिद्वार चले जाना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काफी परेशान कर रही है, इसलिए अब कमंडल लेकर स्नान करने उन्हें हरिद्वार जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को राजनीति में जिंदा करने का काम किया है, जिसकी बदौलत नीतीश कुमार आज बिहार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। नीतीश कुमार को स्वास्थ्य, शिक्षा, भ्रष्टाचार, महंगाई के बारे में सोचना चाहिए और इसका समाधान करना चाहिए। मांझी की राज्यसभा की एक सीट की मांग पर मुख्यमंत्री की दो टूक। बिहार में राज्यसभा सहित विधान परिषद की सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। इनमें जदयू, राजद, भाजपा के साथ जीतन राम मांझी की पार्टी भी राज्यसभा में अपना कैंडिडेट भेजने की तैयारी में लगी है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री ने खुलकर अपनी मांग रखी है कि उन्हें भी अपनी पार्टी के लिए राज्यसभा की एक सीट चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री की मांग पर अब मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जीतन राम मांझी की राज्यसभा की एक सीट की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लाइन में स्पष्ट कर दिया है कि कोई कुछ भी मांग सकता है, मांगने में क्या जाता है। इतना कहने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के इस जवाब ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को राज्यसभा का कोई सीट देने के पक्ष में नहीं है।
कोरोना संक्रमण में बनी रही स्थिरता, देश के साथ साथ बिहार में भी कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया था। हालांकि राज्य में ताजा रिपोर्ट के मुताबिक स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन फिर भी आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्य में संक्रमण की दर में कमी आ रही है। राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 56, शनिवार 48, रविवार 37, सोमवार 34, वहीं आज भी कोरोना एक्टिव केस की संख्या 34 मिली है। बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटे के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 56,163 सैंपल की जांच हुई, जिसके बाद राज्य में महज 3 नए कोरोना के मामले मिले हैं, जो कि राजधानी पटना के हैं। वहीं देश भर की बात करें तो काफी दिनों के बाद आज यानी मंगलवार को जारी किए गए पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के 1,569 नए मामले सामने आए हैं, जो कि देश में महीनों बाद 2,000 से कम मामले मिले हैं। सचिन को लेकर ब्रेटली ने किया बड़ा खुलासा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेटली ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से जुड़ा एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि एक बार 1999 में वो सचिन तेंदुलकर का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन अपना इंप्रेशन खराब होने के डर से उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने यूट्यूब चैनल पर उस सीरीज को याद करते हुए ब्रेटली ने कहा कि पहली बार मैं 1999 में सचिन तेंदुलकर से मिला था। हम कैनबरा में थे और मैं प्राइम मिनिस्टर 11 की तरफ से भारत के खिलाफ खेल रहा था। सचिन तेंदुलकर भी उस टीम में थे। जब वो बल्लेबाजी के लिए आए तो मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सचिन तेंदुलकर को गेंदबाजी करने जा रहा हूँ। मैं वास्तव में उनका ऑटोग्राफ लेना चाहता था। मैंने सोचा कि उन्हें गेंद देकर उस पर साइन करने के लिए कहूंगा, लेकिन फिर सोचा कि इससे मेरा पहला इंप्रेशन सचिन तेंदुलकर के ऊपर सही नहीं पड़ेगा। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है धनंजय बैठा, दिनेश कुमार सिंह, सचिन कुमार, निकिता कुमारी, शंकर मुखिया, विष्णु कुमार मंडल, रंजीत मिश्रा, हिमांशु कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, सीएनजी गैस के दाम बढ़ने से सीएनजी गैस से चलने वाले वाहनों का किराया बढ़ना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।